दोस्तों अभी जो है हम रियफो रेसिडेंसी मुंगेर आए हुए हैं वन विभाग, और यहाँ देख सकते हैं कि एस्बेस्टस है और इसमें सर्वाइवर बहुत बड़ा है। बने रहिए डिब्बा 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 में चलो बहुत बड़ा है, देखिए कितना बड़ा है, देखो बाप रे बाप, फुल साइज का एकदम पूरा चना बड़ा साइज है एकदम, 4 फीट का पूरा 4 फीट है। सर को बुला लीजिए, सर को बुला लीजिए, ना डिबन ना जाएगा गोता बोल रहा, इससे बड़ा डब्बा चाहिए। अपने चल जाएगा बहुत बिग साइज का है भी रसल वाइपर। तो दोस्तों ये सांप बहुत जहरीला बहुत डेडली सांप होता है, तो ऐसा सांप काटता है तो आपको बांधना नहीं चाहिए, सीधा जल्द से जल्द सरकारी सदर अस्पताल जाए। तो मैसिव है यार, फुल साइज है सर। कितना है, 4.5 चार साढ़े चार बिल्कुल गुस्सा देख रहे हैं इसका। ये रसल्स वाइपर है, ठीक है, और इसका जो है जैसे सांप हम लोग को रहता है कोबरा और करैत, जो है कोबरा मतलब यौवन, करैत तो करैत ही बोलता है, वो न्यूरोटॉक्सिक वेनम रहता है, मतलब आपका नर्वस सिस्टम गड़बड़ करेगा, ठीक है। इसके केस में हीमोटॉक्सिक होता है, पूरा सड़न हो जाएगा जहाँ काटेगा, बहुत जहरीला सांप है। तो मेरा आप लोग सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर इस तरह का इस सांप से अगर ये देखे बीच बीच में धब्बे धब्बे रहते हैं, एक बार इसको आप नज़दीक से दिखाइए, अगर ये सांप कभी किसी को काटता है तो तुरंत आप हॉस्पिटल के लिए अप्रोच करेंगे, करैत हो जेवन हो और ये, तुरंत इसमें किसी भी प्रकार का अन्य उपचार ना करें, सबसे पहले नज़दीकी जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ पर आप जो है तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है और आपके लिए जीवन के लिए खतरा हो सकता है। और अभी जो हम लोगों ने पकड़ा है, जितना हम लोग समझ पा रहे हैं इसका आकार देखकर, फुल ग्रोन है, अब तक का सबसे बिग है, 4 फीट के आसपास बिल्कुल सर, लगभग इसका जो मैक्सिमम हाइट लगभग यही रहती है 3.5 से 4.5 फीट, काफ़ी गुस्से में भी है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग परसे साहब आप इसको जो है ना कहाँ है गार्ड लोग, इसको आप रिलीज़ कर दीजिए जंगल में सुरक्षित, और जहाँ आप रिलीज़ करेंगे वो नोट करके रिपोर्ट आप भेज देंगे, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोग जंगल आ चुके हैं, हमारे पास 3 सांप हैं और तीनों ही बेनमस सांप है, जहरीले सांप, 2 कोबरा स्नेक है और 1 बिग साइज का रसल वाइपर है। चलिए सबको निकालेंगे और एक एक करके रिलीज करेंगे। दोस्तों रसल वाइपर जो आप आज देखेंगे दोस्तों, हमें लगता है अब तक का सबसे बिग साइज का रसल वाइपर है ये। आइए नज़दीक कैमरा मैन दिखाइए, देख सकते हैं दोस्तों ये कोबरा सांप है, इसे हम लोगों ने नवागढ़ी से पकड़ा है, ये बिग साइज का रसल वाइपर आप देख सकते हैं साथियों, इसकी साइज कितनी लार्ज है, बहुत बड़े साइज का रसल वाइपर है। और ये हमारा मिनी छोटा कोबरा, कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप,
बहुत खूबसूरत लग रहा है, बट जहरीला सांप है। चलिए एक एक करके हम सबको रिलीज करते हैं। नजदीक आइए, देख सकते हैं ये छोटा कोबरा है। बैठो बैठ करो, अच्छा से जूम करके देख सकते हैं दोस्तों, यह जो कोबरा सांप है काफी खूबसूरत लग रहा है। डर के मारे अपने बॉडी को हल्का कर रहा है, पॉटी कर रहा है। चलिए इसे हम लोग जाने देते हैं। चला गया जंगलों में, बहुत गुस्से में था दोस्तों यह, देख पा रहे हैं अभी भी बहुत गुस्से में है। देखा आपने किस तरह से जंप किया इसने, काफी अग्रेसिव है। नजदीक आओ, बैठ के बैठ के, नजदीक 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 और नजदीक। ऐसे सांप से थोड़ा सा खेल लेते हैं। यह बाइट नहीं करेगा दोस्तों, बताते चले आपको, यह जो है बाइट नहीं करेगा। ये जो है दोस्तों बाइट करने के मूड में नहीं, क्योंकि खुली जगह पर है यह सांप, खुली जगह पे है, और इस वजह से क्या है यह सिर्फ भागना चाह रहा है। देख सकते हैं यह पूरी तरह से तन गया है, लेकिन यह बाइट नहीं करेगा। काफी खूबसूरत और गुस्सैल कोबरा सांप। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक गुस्से वाली आवाज है। बिल्कुल रॉयल कोबरा की तरह बैठा हुआ है एकदम हमारा ये स्पेक्टिकल कोबरा। चाहेंगे चला जाए। अभी तो ये हमें देख रहा है, जैसे ही लगेगा इसे मौका मिलेगा यह तुरंत निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसे परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। देख सकते हैं अब यह जा रहा है बिल्कुल धीरे धीरे। और अब यह फुल स्पीड से निकल रहा है, मौका मिला नहीं कि चला गया। निकल गया, कितना लार्ज है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके साइज और गुस्सा इसका, आप सुन सकते हैं कितने गुस्से में है। कैमरा लो, कैमरा लो। और काफी बिग साइज का एडल्ट रसल वाइपर है ये, बहुत ही हैवी साइज का है। इसे हम लोगों ने मुंगेर DFO के आवास से रेस्क्यू किया दोस्तों। तो यह चला गया, यह भी चलते हैं हम भी घर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।